हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं क्लास नाइन्थ की इंग्लिश मोमेंट्स। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर नेम इज़ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने स्टोरी को पढ़ा होगा। इस स्टोरी की हम क्वेश्चंस आंसर बताएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, उसका आंसर हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए, आप स्टोरी जानते होंगे तो ज़रा सा हम भी समझ लेते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी बेबी मंकी को, एक बंदर के बच्चे को, एक पेट, पालतू जानवर के रूप में किसी को पालते हुए देखा? टोटो एज अ बेबी, यहाँ पर एक बेबी मंकी का जिक्र है इस स्टोरी में, जो कि उसका नाम टोटो है। लेट्स फाइंड आउट द वेदर इज मिस्चिवियस आर डोसाइल। तो चलिए, इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि टोटो कितना मिस्चिवियस है। मिस्चिवियस मीन्स कितना शरारती है। आपकी नज़र में शरारती है या फिर वह विनम्र है, पूछा जा रहा है। तो कमेंट करके बताएं, टोटो कैसा था? शरारती था, मिस्चिवियस था, या फिर डोसाइल था, यानी बहुत ही मीक था, बहुत ही भोला भाला अथवा विनम्र टाइप था। चलिए देखिए, इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेन मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन का आंसर करा देना, ठीक है? तो टोटो जानते हैं, ग्रैंडफादर हैं इस स्टोरी में, जो टोटो को पाल के रखे हैं। टोटो को कहाँ से लाए थे? एक टांगा ड्राइवर के यहाँ से टोटो को लेकर आए थे और उसको अपने घर में छिपाकर पाल रहे थे। किससे छिपाकर? अपनी वाइफ मीन्स ग्रैंड मदर से छिपाकर पाल रहे थे, क्योंकि उनको जानवरों से नफरत थी। इतना आप सब जानते होंगे। बाकी ट्रेन में सफ़र करते हैं टोटो के साथ, एक बैग में उसको भर कर ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर सीन दिया है, यह टीटी है, यहाँ ग्रैंडफादर हैं। तो इस सीन को बड़ा ही इन्जॉय किया जाता है, बड़ा ही फनी सीन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन जितने भी हैं उसका आंसर हम कराएंगे आपको, ठीक? देखिए कहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए ये, देखिए 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू? टोटो वॉज प्रिटी मंकी, इन वाट सेंस इज टोटो प्रिटी? तो चलिए 5 का क्वेश्चन का आंसर हम बारी बारी नंबर 1 करके देख लेते हैं, ठीक? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, पढ़ते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर। आंसर को हमने बड़े ही मेहनत से, बड़े ही अच्छे ढंग से राइट करके पीडीएफ के माध्यम से बना दिया है। देखिए क्लास नाइन्थ मोमेंट्स चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचरस ऑफ टोटो। एडवेंचरस मीन्स होता है हिम्मत, साहस, है ना, करेजियस वर्क। तो टोटो का कौन सा करेजियस वर्क था, वही चैप्टर में बताया गया है। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू? तो ग्रैंड फादर, दादाजी के प्राइवेट जू में टोटो कैसे आया, कैसे आता है? आंसर देखिए, टोटो वाज इन कैप्टिविटी ऑफ टांगा ओनर। टोटो जो था एक टांगा ओनर, टांगा चलाने वाले ड्राइवर, टांगा चलाने वाले व्यक्ति के पास था टोटो। द ग्रैंड फादर गेट सिंपैथेटिक विद द मंकी एंड थिंक दैट हिज प्राइवेट जू वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर टोटो। तो दादाजी ने देखा उसको, बड़े ही सिंपैथेटिक मतलब बड़े ही सज्जनता से, बड़े ही दया भाव से ने सोचा कि हमारे प्राइवेट जू में अगर आएगा तो जू की शोभा बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा बन जाएगा जू। सो ही परचेज टोटो फ्राम द तांगा वाला फॉर 5 रुपी। ये देखिए क्वेश्चन बनेगा, इसलिए तांगे वाले से टोटो को दादाजी ने 5 रुपए में ख़रीद लिया। कितने में खरीदा था? 5 रुपए में, ठीक? किससे खरीदा था? तांगा वाले से, या फिर तांगा ड्राइवर, तांगा ओनर, ठीक? आप आंसर नोट कर लेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? टोटो एक प्रिटी, बहुत सुंदर मंकी था। तो किस तरीके से किस सेंस में सुंदर था? आंसर देखिए, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल। प्रिटी मंकी था किस तरीके से? उसकी आंखें जो है चमकीली थी,
ब्राइट आईज स्पार्कल, जो चमकीली आंखें थी बहुत स्पार्कल करती थी, मम्मी चमक बिखेरती थी। विद मिस्चुअस बीनीथ द डिप सेट आईब्रो, आंखों के नीचे आंखों से दिखता था बड़ा ही शरारती। एंड हिज टीथ वेयर अ पर्ली वाइट, उसके दांत कैसे थे पर्ली वाइट, पर्ली मीन्स मोतियों जैसे सफ़ेद। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल एट ब्राइटन द लाइफ आउट ऑफ इडली एंग्लो इंडियन लेडीज, और लोगों को देख के बहुत ही भयानक स्माइल देता था, और ख़ास करके एंग्लो इंडियन लेडीज़ की, जो अंग्रेजी भारतीय होते हैं, अंग्रेज भारतीय लेडी होती हैं, उनको देखकर बहुत ही डरावना स्माइल देता था। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकर्ड इन सन फॉर मेनी ईयर्स, और उसके हाथ जो थे इतने सूखे हुए थे, लगता था कि वह कई वर्षों से धूप में सूखा हुआ है उसका हाथ, ना खुरदुरा टाइप। एट हिज फिंगर वर क्विक एंड क्विक विग्ड हिज टेल, हालांकि फिर भी उसके फिंगर बड़े ही तेज तर्राक थे और उसकी पूंछ बड़ी ही विग्ड दुष्ट थी पूंछ। वाइल एडिंग टू हिज गुड्स लुक्स सर्व एज थर्ड हैंड, जिसको मिस पूंछ को एक अपने तीसरे हाथ की तरह यूज किया करता था, और कहा भी जाता है मंकी का थर्ड हैंड उसका पूंछ होता है टेल। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग, तो पूछ से ही मंकी ब्रांच डालियों पर शाखाओं पर चढ़ता है, लटकता है, कैपेबल ऑफ स्कूपिंग, स्कूपिंग मतलब उछल कूद करता है वृक्ष से। एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, तो जो कुछ भी अगर उसके हाथ में नहीं पहुंचता, जब मंकी हाथ से नहीं पाता तो पूंछ की सहायता से वो छपट्टा मारता है ना, पूंछ को डालियों में फंसा करके फिर और लंबा हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसका आंसर देखेंगे। व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, दादाजी टोटो को क्यों सहारनपुर ले जाते हैं और कैसे। व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, और टिकट कलेक्टर ने क्यों टोटो को डॉग कहकर पुकारता था, तो चलिए क्यों डॉग कहा। टोटो वॉज द रियल मीनेंस ऑफ एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड, तो पूरे घर में टोटो बहुत ही रियल खतरा बनने वाला था। मीनेंस मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट खतरा होना, तो टोटो पूरे परिवार के लिए खतरा था, मीन्स लोग डरते थे, दादाजी को छोड़ के सब डरते थे, इसलिए दादाजी उसको प्राइवेट जू में ही रखा करते थे। ठीक, और अदर एनिमल्स इन द ग्रैंडफादर्स जो वर एट टोटो मर्सी इवन ड्यूरिंग नाइट, टोटो के दादाजी के जू में और भी जानवर थे और टोटो से डरते थे, हाँ, यहाँ तक कि रात के समय भी टोटो उन पर दया दिखाता था, कहने वाला रात में भी डरते थे। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू एनिमल्स इन द जू, इसलिए दादाजी ने सोचा कुछ जानवरों को जीप अपने जू से रिहा कर दूँ, छोड़ दूँ। ठीक, एंड टेकिंग टोटो टू सहारनपुर, इसलिए टोटो को सहारनपुर लेकर जा रहे थे। द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रोल बुक, तो टिकट कलेक्टर जो कि अपने रोल बुक को फॉलो करते हुए मतलब टिकट चेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। एज देयर सीम्स टू बी नो रूल्स फॉर फिक्सिंग अ मंकी फेयर, सो ही एक्वेटेड टोटो विद डॉग, हालांकि ऐसा नियम नहीं है कि किसी बंदर को वैसे लिया जाए, तो नियम के तहत बंदर को एक डॉग की तरह बिहेव करके डॉग का भाड़ा लगा दिया टीटी ने। टिकट कलेक्टर इंजेन्यूटी ट्राइड टू कटराइज ऑल पेट ऑफ अ सर्टेन साइज एज डॉग, और उसने उस टोटो को बंदर को एक डॉग की कैटेगरी में डाल करके डॉग का जो भाड़ा बनता है वही भाड़ा टोटो का भी लगा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे, चलिए नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, टोटो स्नान कैसे करता है। एंड वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, और कहाँ से सीखा स्नान करना, कहाँ सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव,
कैसे टोटो अपने आप को बॉयल करता है, ज़िंदा बॉयल करता है। कहने का मतलब उसकी हैबिट थी तो गर्म पानी में स्नान किया करता था, तो ज़िंदा बॉयल खुद को करता था। क्यों कैसे, देखिए आंसर। टोटो टेक बाथ इन अ टब ऑफ वार्म वाटर। टोटो टब में गर्म पानी से स्नान करता है। इट पुट्स इट लेग इन इन वाटर वन बाय वन, और एक एक पैर को पानी में डालता है। पहले पहला पैर डालता है पानी गर्म पानी में, फिर दूसरा पैर डालता है। एंड अप्लाई सोप एज वेल, और साबुन भी अच्छे से लगाता है टोटो, ये भी जानिए। मंकीज़ आर गुड एट एपिंग अदर्स। As Toto has learned proper steps of bathing while watching the narrator doing same. तो एक लर्न मंकी की तरह हुआ है, एक सीखा हुआ बंदर की तरह वो बहुत अच्छे से काम करता है, जो कि नरेटर अच्छे से जो और सामने नरेटर देखा करता था। नरेटर के देख रेख में टोटो स्नान करता है। टोटो इज़ फॉन्ड ऑफ बाथिंग विद हॉट वार्म वाटर। टोटो जो है गर्म पानी में स्नान करने का शौकीन है। सो वंस हैविंग टेस्टेड द वार्म्स ऑफ वाटर इन द केटल, टोटो सिट इन द केटल। तो एक बार क्या हुआ, हैविंग टेस्टेड द वार्म्स ऑफ द वाटर, पानी की गर्मी को टेस्ट करने के लिए कि केतली का पानी गर्म है कि नहीं, टोटो सिट इन द केटल, टोटो केतली में ही बैठ जाता है। प्रोबेबली ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड द रिस्क बॉयलिंग वाटर, सो ही पॉप्स हिज हेड अप एंड डाउन इन द केटल। हालांकि उतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि वो समझ पाए कि पानी कितना गर्म है कितना ठंडा ना, इसलिए वो केतल में ही जंप लगा देता था। तो चलिए नोट कर लेंगे, फिर से नोट कीजिए, देखिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। क्यों ऑथर कहता है कि टोटो जो है कोई पेट नहीं था, कोई पालतू जानवर नहीं था, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, हमने इसको बहुत आगे के लिए मतलब काफ़ी समय के लिए हमने अपने पास रखा। आंसर देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दो टोटो वॉज प्रिटी एंड क्लेवर ही वॉज वेरी मिस्चुअस। यद्यपि टोटो बहुत ही सुंदर था, क्लेवर चालाक था, लेकिन बहुत ही मिस्चीवियस भी था, मतलब शरारती भी था। ही बॉट अलॉट्स ऑफ डैमेज टू द हाउस बाई ब्रेकिंग डिशेज टीयरिंग क्लॉथ एंड कर्टन। बहुत सारे घर के सामानों को डैमेज कर देता था। क्या क्या, ब्रेकिंग डिशेज, डिशेज मतलब बर्तन को तोड़ देना, टीयरिंग क्लॉथेस कपड़ों को फाड़ देना, कर्टन को फाड़ देना मीन्स पर्दा को फाड़ देना। एज And he also scared the visitors by tearing holes in their dresses. और he also scared visitors by tearing. बहुत सारे लोग डरते थे, विजिटर भी डरते थे कि कहीं मेरा शर्ट न फाड़ दे, पैंट न फाड़ दे, है ना, होल न कर दे। फर्दर सम ही डिडेंट गेट अलॉन्ग वेल विथ अदर्स एनिमल इन द हाउस टोटो। आगे क्या होता है, वह अन्य जानवरों के साथ अच्छे से अपना तालमेल नहीं बैठा पाता। वन डे टोटो क्रॉस द लिमिट बाई पिकिंग अप अ डिश ऑफ पुलाव। एक दिन टोटो लिमिट क्रॉस कर जाता है, क्या, पुलाव वाला, पुलाव बना हुआ था, पुलाव को पूरा डिश ही ले लेता है, पूरा बर्तन ही ले लेता है। एंड रनिंग ऑन द ब्रांच टू ईट इट, और ब्रांच पेड़ की शाखा पर चढ़ जाता है खाने के लिए। वेन स्कॉर्डेड ही थ्रू ऑफ द प्लेट एंड ब्रोक इट, और जब डांटा गया तो उसने ऊपर से ही पेड़ से ही वृक्ष से ही प्लेट को, पुलाव से भरा हुआ प्लेट को फेंक देता है और प्लेट को तोड़ देता है। दैट्स व्हेन ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही हैड हैड एनफ टू टोटो, बिकॉज अब दादाजी ने डिसाइड कर लिया अब बहुत हो चुका टोटो का। बिकॉज ही कुड नॉट बियर द लूजेज दैट ही इनकर्ड बिकॉज ऑफ टोटोज मिसचीफ, इसलिए दादाजी ने उसको इनकर्ड करने मतलब दादाजी ने उसको घर से बाहर कर दिया, मतलब वापस दे दिया किसी के हाथों, दे दिया उसी तांगे वालों को दिया था। ठीक, तो इस तरीके से कहानी ख़त्म, और आपको आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया और कहानी भी कुछ न कुछ कहानी भी समझ में आई होगी। तो आई होप आपने इंजॉय किया। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और अच्छे से याद करें, नोट करके नोटबुक को तैयार कर लें।